दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी आज की सबसे ऑथेंटिक और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। देश में कोरोना की वजह से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बीच अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे कोरोना से संक्रमित होने वाले से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में वैक्सीन बनाने को लेकर भी नई बातें सामने आ रही हैं, जैसे अब एक और अमेरिकी कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन इस साल अक्टूबर तक इलाज के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी और अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो दिल्ली और उसके आसपास के निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने अब निजी अस्पतालों में इलाज के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं, लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बड़े काम की हैं। नंबर वन, अक्टूबर तक फाइजर की वैक्सीन हो जाएगी तैयार। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस समय दुनिया में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अब लगभग दुनिया के सभी देशों को बस इसी वैक्सीन बनने का इंतजार है, और अब लगता है कि इंतजार जल्द खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर के CEO ऑफिसर अल्बर्ट बुर्ला का दावा है कि अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक सही रहा तो अक्टूबर तक वैक्सीन की लाखों खुराक तैयार कर सप्लाई कर दी जाएगी। कंपनी ने जो वैक्सीन तैयार की है उसे BNT162 नाम दिया है। दरअसल फाइजर यूरोप और अमेरिका में जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर कई दवाओं पर शोध कर रही है। फाइजर कंपनी फिलहाल 4 अलग अलग तरह की वैक्सीन पर काम कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि जून या जुलाई तक ये साफ हो जाएगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर और सुरक्षित है। नंबर टू, दिल्ली में 10,000 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए 10,000 बेड का एक कोरोना अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। दरअसल दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक झटके में 10,000 नए कोविड बेड तैयार किए हैं। इन 10,000 बेड्स की व्यवस्था दक्षिण दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी एक राधा स्वामी आश्रम में की गई है। 29 एकड़ में फैले इस राधा स्वामी आश्रम में बेड के साथ ही सभी जरूरी तैयारियां भी की गई हैं। इन इंतजामों को देखने के लिए आश्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निरीक्षण भी किया था। बताया जा रहा है कि 30 जून तक ये सुविधा कोरोना मरीजों के लिए शुरू हो सकेगी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि राधा स्वामी आध्यात्मिक आश्रम इतना बड़ा है कि उसमें अभी 10,000 और बेड लग सकते हैं, और फिलहाल इसमें 10,000 बेड का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन हालात बिगड़ने पर इसे 20,000 बेड तक किया जा सकता है। नंबर तीन, कोरोना टेस्ट हुआ आसान, 15 मिनट में आएगी रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट के लिए परेशान लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगले हफ्ते से एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग की शुरुआत की जाएगी। ये एक रैपिड टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट 15 मिनट में आ जाती है। इसका खर्चा केवल 450 रुपए होगा। वहीं निजी लैब में भी जांच का खर्चा 4,500 से घटाकर 2,400 कर दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली से सटे गुड़गांव में कोरोना के टेस्ट को लेकर जूझ रहे लोगों को होगा। डॉक्टर्स की माने तो प्रेगनेंसी की जांच की तरह रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच फौरन हो सकेगी। इसके लिए नाक से 2-3 बूंद स्वैब लेकर जांच की जाएगी। इस जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसकी दोबारा RT-PCR जांच करनी पड़ेगी। नंबर चार, आयुर्वेद के आगे कोरोना ने टेके घुटने। कोरोना की वैक्सीन तलाशने के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद में कोरोना की काट के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती 6 मरीजों पर क्लिनिकल केस स्टडी की है, और आयुर्वेदिक दवाओं से ये सभी 12 दिनों में नेगेटिव हो गए। पतंजलि शोध संस्थान इस ट्रायल को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशन के लिए भेज रहा है। आचार्य बालकृष्ण की माने तो देश भर में 500 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर इस दवा का अध्ययन किया गया है। मरीजों को नाश्ते से 1 घंटा पहले नाक में 4 बूंद अड़ूते ही 2 गोली शवासारी बटी, शुद्ध गिलोई बटी की 2 गोली अश्वगंधा और तुलसी घनवटी की 1-1 गोली गुनगुने जल के साथ दी गई। नतीजा ये रहा कि सभी मरीज 31 मई से 12 जून के बीच नेगेटिव हो गए। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि अश्वगंधा में मिलने वाला फाइटोकेमिकल और लिथेनान कोरोना को मानव कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करने देता है।
ये शोध स्प्रिंगर नेचर के बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। नंबर 5, दिल्ली में कोरोना का इलाज 3 गुना सस्ता। दिल्ली में कोरोना के इलाज की दरें घटा दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए रेट फिक्स करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने मौजूदा दरों को 2/3 घटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली के निजी अस्पतालों को रेट कम करने का आदेश जारी किया था, जिससे निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च 3 गुना तक कम हो गया है। नए रेट के मुताबिक पीपीई किट के साथ आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000, बिना वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का चार्ज 13,000 से 15,000 होगा, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का चार्ज 15,000 से 18,000 होगा। जबकि पहले निजी अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का चार्ज 24,000 से 25,000 रुपए था, वहीं आईसीयू बेड का चार्ज 34,000 से 43,000 के बीच था। लेकिन अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी। नंबर 6, भारत में एक और कोरोना दवा को मंजूरी। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। दिन बीतने के साथ ही इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन न होने की वजह से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ने हल्के केस से लेकर मध्यम गंभीर केसों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बाद अब एक और दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये ड्रग है फेविपिरावीर। ड्रग रेगुलेटरी ने मुंबई की एक कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की माने तो इस दवा को अभी सिर्फ इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल करने की गाइडलाइंस हैं। इसे लेने वाले मरीजों को पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। दरअसल फेविपिरावीर जापानी कंपनी की बनाई हुई एक एंटीवायरल ड्रग है, जो कोरोना के शुरुआती लक्षणों को खत्म करने के काम आ रही है। नंबर 7, कोरोना से बचाव में कारगर हर्बल मिश्रण। कोरोना की काट तलाशने के लिए पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, ताकि कोरोना के कहर को खत्म किया जा सके। कोरोना को लेकर अब एक और नई रिसर्च सामने आ रही है। दरअसल तमिलनाडु के डॉक्टर्स ने रिसर्च के बाद ये पाया कि हर्बल मिश्रण कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि हर्बल मिश्रण कबासुरा कुडीनेर का कोरोना मरीजों पर सकारात्मक असर हुआ है। सिद्धा के 2 रिसर्च पेपर्स में दावा किया गया है कि यह मिश्रण कोरोना संक्रमित मरीजों पर प्रभावकारी रहा है। पहला पेपर तमिलनाडु में मार्च में कोरोना संक्रमण की शुरुआत में आया था। दरअसल कबासुरा कुडीनेर एक हर्बल मिश्रण है, जिसमें अदरक, पिपली, लौंग, सिरुकन कोरी की जड़, मूली की जड़, कड्डूकई, अजवाइन और अन्य जड़ी बूटी शामिल हैं। इसको मिलाकर चूर्ण तैयार किया जाता है और बाद में इसमें पानी मिलाया जाता है। फिर काढ़ा बनाने के लिए इसे उबाला जाता है और 1/4 रह जाने पर इसे पिलाया जाता है। दरअसल इसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि ये कोरोना महामारी के इलाज की दवा नहीं है।